इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। अगले 5 सालों में देश के 10 प्राइवेट और 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज को सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा ताकि उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अपने आप में एक कलंक है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गोलीबारी के दौरान LET के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में संगठन का प्रमुख कमांडर वसीम शाह भी शामिल है, जो स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठन में भर्ती किया करता था। इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस से भिड़ गए, जिसमें एक नागरिक भी मारा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो और बिहार के CM नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। बिहार में 53,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या पूरे हो चुके हैं। JDU तथा BJP के साथ आने के बाद पहली बार दोनों किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। SIT पत्रकार तथा कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या की जांच में जुटी SIT ने हत्या करने वाले 2 संदिग्धों के 3 स्केच जारी किए हैं। हत्या करने से पहले ये सभी करीब हफ्ते तक बेंगलुरु में रहे थे। लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आक्रोश और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर के BRD हॉस्पिटल में कई और बच्चों की मौतें हुई हैं, जो कि अगस्त के बाद से शिशुओं और बच्चों की मौत को लेकर खबरों में है। पार्टी ने UP के CM योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे और मौतों की जांच की मांग की है। RSS के जनरल सेक्रेटरी सुरेश भैया जी ने कहा है कि जो BJP के प्रमुख अमित शाह के बेटे पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अदालत में जाना चाहिए। BJP के सत्ता में आने के 1 साल के भीतर जय शाह की कंपनी में 16,000 गुना टर्नओवर की बढ़ोतरी हुई है। RSS ने इस मुद्दे पर कोई भी स्टैंड लेने से मना कर दिया। माफिया इकबाल इब्राहिम कास्कर और उसके 2 अन्य सहयोगियों को जबरन वसूली के मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके 2 भाई डॉन दाऊद और अनीस भी इस मामले में आरोपी हैं। गोवा महिला कांग्रेस ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी से मांग की है कि वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सेक्सुअल नेचर का आरोप लगाने के लिए माफी मांगे और कहा है कि वो ईरानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। केरला के बैक वाटर्स का एक गांव लंदन वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में शीर्ष सम्मान पाने की दौड़ में शामिल है। 1 दशक तक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जिम्मेदारी निभाने के बाद खूबसूरत कुमारकोम पर्यटन स्थल अब वैश्विक मान्यता पाना चाहता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने विराट कोहली की प्रशंसा की है और उन्हें एक शांत और खरा इंसान कहा है। वो TV पर दिवाली के लिए एक स्पेशल शो में भारतीय कप्तान के साथ दिखाई देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।